Today my topic is problems based on derivatives of inverse circular function of trigonometrical expressions से आपके लिए बना। तो such questions which are based on this topic, how can you do these all? The working rule लिखी हुई है, how can you solve the given equations? पहला देखिएगा, if sin inverse f(x), f(x) का मतलब y, अगर यहाँ पे कुछ दिया है तो ये fx को आपने सॉल्व करना है, साइन में लाना है। अगर बाहर से साइन इनवर्स है, उसके बाद देखो इफ साइन इनवर्स fx अकर्स, fx आपका यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन होगा, t कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, उस fx को आपने यू हैव टू सिंपलीफाई दैट fx टिल तब तक करना है जब तक ये fx साइन इनवर्स है तो साइन थीटा की फॉर्म में आ जाएगा, cos इनवर्स है तो cos थीटा की फॉर्म में आएगा, tan इनवर्स है तो tan थीटा की फॉर्म में आना चाहिए। तो जब ये आ जाएगा आपका देखो, तो उसके बाद आप तब उसके बाद आप डिफरेंट करें डिफरेंशिएशन करेंगे, सेम आपका कॉस इनवर्स एफ एक्स और टेन इनवर्स एफ एक्स के लिए भी आपका होगा। उसके बाद जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आपका जो रिलेशन है उनमें आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशंस के लिए मे बी यूज आप बनाओगे, ये सब ये मल्टीपल फॉर्मूला है, साइन टू एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस एक्स का नाम। अभी इसमें सबसे मजे की बात यह है कि जब आपके पास ये कॉस वाले फॉर्मूले लगेंगे तब आप 1 प्लस कॉस टू एक्स का डायरेक्ट आप नहीं करेंगे, उसको चेंज 2 कॉस स्क्वायर एक्स में करेंगे, या उसको आप मतलब ये यानी कि कॉस टू एक्स की वैल्यू जब होगी तो उसको 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, और कॉस टू एक्स की वैल्यू को आप 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स में लिख सकते हैं, कॉस टू एक्स वो आपको मैं बताऊँगा। साइन टू एक्स का एक फॉर्मूला ये भी होता है, साइन टू एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, ऐसे कॉस टू एक्स का एक फॉर्मूला, तीन फॉर्मूले आपने लिखे हुए, एक और हो जाता है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो जब साइन बाई कॉस करेंगे तो क्वेश्चन रूल से टेन टू एक्स निकलेगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो 2 टेन एक्स ओवर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स ओवर, ऐसे साइन 3x कॉस 3x टेन 3x के आपके फॉर्मूले मैंने बोर्ड पे लिखे हुए आपका नाम। अब पहला ही सवाल आपका बोर्ड इन कंपार्टमेंट का है, आपका नाम देखो दिस था, ये कैसे सॉल्व करेंगे, सब मल्टीपल अगर आपको आता है, इफ यू नो अबाउट द सब मल्टीपल यू कैन फाइंड आउट द सब मल्टीपल, मल्टीपल का आधा कर देंगे सब मल्टीपल होता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है dy / dx आपने फाइंड आउट करना है, तो ये इनवर्स सर्कुलर फंक्शन है और अंदर देखेगा 1 + sin x 1 - sin x, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन है। तो दो चीजें पहले आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो सॉल्यूशन नंबर 1, सवाल एक ही करो लेकिन तबियत से करो, देखो इसको लेट आपका y इज इक्वल टू एक्चुअल में y कुछ नहीं, यही आपका fx होता है, याद रखिए, एंड ये fx इज इक्वल टू जो आप करते हैं देखो आपका ना ये tan इनवर्स एंड दिस इज योर 1 प्लस sin x ये आपका जो आप देख रहे हैं दिस इज द इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, और ये जो आप देख रहे दिस इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सप्रेशन, दो चीजें रूट के बाहर रूट के अंदर। अब यहां पे जो आपको फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, इससे पहले भी मैं एक क्वेश्चन आपका कल या परसों में करा चुका हूं, यहां देखो अब यहां पे सबसे पहले जो आईडी लगेगी, आईडी भी जो आपकी होगी कौन सी लगेगी, ये देखो आपने पढ़ा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या आप साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 भी कर सकते हैं, दोनों का थीटा दोनों का एक्स सेम होना चाहिए तभी ये आईडी आपकी यूज होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहां पे ये वाला फॉर्मूला नहीं, ये तो एक पहल थी, इसके बेस पे लगी वो लगेगा पहले cos स्क्वायर x by 2 और प्लस sin स्क्वायर x by 2 is equal to theta, दोनों का जब सेम होगा तभी आपका cos स्क्वायर theta plus sin स्क्वायर theta equal to 1, या cos स्क्वायर theta by 2 plus sin स्क्वायर theta by 2 is equal to 1 आपका। अब आपको ये आपका now you can ask that आपका why you are using this, why you are not using this, आप इसको यूज कर रहे हैं इसको क्यों कर रहे हैं, क्यों आप इसको यूज कर रहे हैं, इसका रीजन इसको इसलिए यूज कर रहे हैं ये जो साइन एक्स है यहां पे आप नाउ यू हैव टू यूज द सब मल्टीपल फॉर्मूला, सब मल्टीपल फॉर्मूला हमेशा
आपका जनरेट होता है मल्टीपल फॉर्मूला से। अब आप कहेंगे मल्टीपल फॉर्मूला, क्योंकि मल्टीपल फॉर्मूला जो होता है आपका देखो साइन टू एक्स इज इक्वल टू जो टू साइन एक्स कॉस एक्स कह रहे हैं, दिस इज द मल्टीपल। सब मल्टीपल का मतलब इसका हाफ कर दीजिए, साइन टू एक्स बाई टू आपका देखो इक्वल टू अगर टू साइन एक्स बाई टू और आपका देखो कॉस एक्स बाई टू डिवाइडिंग बोथ साइड बाई टू, इससे ये कैंसिल हो गया। तो साइन एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स बाई टू दैट इज कमिंग, सॉरी दिस इज कॉल्ड द सब मल्टीपल। अब देखिए तो y इज इक्वल टू ये एफ एक्स समझाने के लिए लिखा था ना, देखो दिस इट्स अ टेन इनवर्स रूट के अंदर आपका लिखा था कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू और प्लस टू साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। वन की जगह में दिस वी आर क्या और साइन एक्स की जगह में आपने टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। अगेन इन द डिनोमिनेटर दिस वन विल बी रिप्लेस बाय सेम आईडी कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू एंड दिस माइनस इज दिस वन एंड इन प्लेस ऑफ दिस साइन एक्स यू कैन कीप दिस साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई। न्यूमरेटर में जरा आप कर ए स्क्वायर लिखा जैसे है मैं वैसे ही लिख रहा हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी इक्वल टू वेर यहां पे ए इज इक्वल टू कॉस एक्स बाई टू और बी इज इक्वल टू आपका साइन एक्स बाई टू। इन डिनोमिनेटर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर और यहां पे भी वेर ए इज इक्वल टू हियर ऑल्सो cos x by 2 और b अपन को sin x by 2। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इसको बायजूज में भी जाकर के देखेंगे ना वहां भी एक्सप्लेन नहीं होगा, जाकर के देखिएगा। मैं किसी को तोहमत नहीं लगा रहा हूं लेकिन मैं कह रहा छोटे इंस्टीट्यूशन है वहां देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस देखो a a प्लस b उनके साथ हमारा कॉम्पिटिशन नहीं है लेकिन ये जरूर है कि चेक जरूर करिए, उससे इंस्पिरेशन मिलती है कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट में वो जो पढ़ा रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं क्या अंतर दोनों में, इसलिए कंपेयर करने की जरूरत है तभी तो आप द बेस्ट कहेंगे वो बेस्ट है या मैं बेस्ट हूं या कोई बेस्ट है, इसलिए कंपेरिजन। यहां पर उसका नाम लेने का मतलब नहीं है वो बड़ा है या मैं बड़ा हूं वो छोटा है या मैं छोटा हूं, नहीं आप देखिए कि जिस भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में क्या उन्होंने ये लिखा है क्या ये समझा है ये जरूर चेक करो। यहां पे आकर वो कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस दोनों को एक साथ लिख दे रहा हूं, साइन एक्स बाई टू दोनों को मैंने एक साथ लिख दिया, ये सिर्फ ये देखो ये आकर कॉस एक्स बाई टू प्लस माइनस साइन एक्स बाई टू का स्क्वायर and this square root will be converted to 1 by 2. So, देखो खाला तो cos x by 2 plus minus sin x by 2. Numerator में plus की जरूरत है, denominator में minus की जरूरत है आपका देखो। That's why एक साथ आपका ना मैंने ये formula लिख दिया plus और minus। तो ना this तो y is equal आपका देखो this है 10 inverse and ये अब आपका cos x by 2 plus sin x by 2 ये numerator में लिख दीजिए और अपना cos x by 2 minus sin x by 2 you have to write it down. For removing this square root here was a square don't know is it about that now dividing numerator and denominator by cos x by 2 y is equal to the cap 10 inverse cos x by 2
एक्चुअल में ये जो होना चाहिए कायदे से यहां पे आना चाहिए, जहां मर्जी नहीं लिख सकते हैं। और क्वेश्चन रूल देखिएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, माइनस टेन आ रहा है, समझाने में आपकी बात मतलब साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन नहीं होगा, आप देखिए मल्टीप्लाई बाई वन इन डिनोमीटर बिफोर एक्स बाई टू या आफ्टर निगेटिव साइन, वन से मल्टीप्लाई ये देखिए दिस वाई इज इक्वल टू, देखो आप ना दिस टेन इनवर्स ये टेन 45 डिग्री इज इक्वल टू वन होता है और टेन 45 को आपका लिखते टेन पाई बाई फोर, एम आई राइट, तो आप दिस तो दिस इज 10 पाई बाई फोर प्लस 10 एक्स बाई टू ओवर 1 माइनस, ये तो मल्टीप्लाई आप करते हैं ना 1 से, इट इज फॉर 10 45 के लिए आप करते हैं इसको, तो आपको दिस 10 पाई बाई फोर एंड मल्टीप्लाई 10 एक्स बाई टू फॉर मेकिंग सुटेबल फॉर्मूले के लिए आपका ये एक्चुअल में वन जो आप मल्टीप्लाई करते हैं ये। अब नाउ 10 ए प्लस 10 बी ओवर 1 माइनस 10 ए 10 बी इज इक्वल टू 10 ए प्लस बी, ए प्लस बी तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 10 पाई बाय 4 और प्लस x बाय 2, क्या था सिंप्लीफाई एफ एक्स, इस एफ एक्स को आप पूरा सिंप्लीफाई करिए, देखो आप बना टेन साइन में है तो यहां तक लाइए, टेन में है तो टेन तक ले आइए, आप देखिए वाई इज इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस एक्स बाई टू, देन यूज देन नाउ डिफरेंशिएट, ये जो यहां पे लिखा थी now differentiating both sides with respect to x, so dy by dx is equal to d by dx of this is pi by 4 and plus this is x by 2, so now ye jo aapka dy by dx actually this is d by dx of pi by 4 ek bar ye ho jayega aur plus 1 by 2 d by dx of x ho jayega 1 by 2, ये x by 2 है, यहां पे 1 by 2 बाहर आ गया, 1 by 2 is working as a coefficient, this is constant, constant का कभी भी d by dx up if you are going to find out that is a zero, क्यों लगाएंगे uv वाला, uv कहां दिख रहा है आपको, वो कांस्टेंट है, वो भी लगेगा अभी देखो आपका, तो यहां पर ये 1 बाई 2 दिस इज योर आंसर, ये तो फाइंड डी वाई बाई डी एक्स था, ये 1 बाई 2 बोर्ड और कंपार्टमेंट का क्वेश्चन था, देखिए कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, पाई की वैल्यू क्या होती है,
180 180 बाई 4 45 45 की कोई वैल्यू नहीं, 45 कांस्टेंट है। अरे मोहतरमा 1/2 तो कोफिशियंट है, डी बाई डी एक्स तो एक्स का निकाल रहे हैं आप। गॉट इट, डू इट। कल का वीडियो भी आपने नहीं देखा हुआ है, एंड सेकेंड क्वेश्चन, इफ यू सी द ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस means inside the radical sign, that radical sign is a square root. So now the denominator is in a numerator and numerator is in a denominator. आपका देखिए ना, but before that, in place of tan inverse, here is cot inverse. ये cot inverse है और ये देखो ये आपका नाम, ये जो denominator में था वो numerator में। और अगर आपने इसको कर लिया उसके बाद जो next आपके कई बार boards में आया है कि y इज इक्वल टू टेन इनवर्स आपका नाम देखो दे सीधा रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स ओवर रूट में 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 माइनस साइन एक्स रूट में फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको फाइंड आउट करना है तो जरा क्विकली करिए और उसके बाद आज घर जाकर के जरूर इनको सवालों को क्वेश्चंस को देखिएगा, दूसरे चैनल्स पे देखिएगा, इतने जो मैंने फॉर्मूले ये साथ लिखा है, ये लिखा है ना लिखा है ये जरूर चेक कर लीजिएगा आप। ये यहाँ पे टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू के आगे मल्टीप्लाई किया था मैंने, खाली एक्स बाई टू लिख दिया था क्योंकि टांग खींचने वाले भी यूट्यूब चैनल में कई होते हैं ना। अच्छा एक्स बाई टू यहाँ मन से क्या है, जबकि अंडरस्टूड होना चाहिए यार ये यहाँ के लिए लिखा है जबकि ये निगेटिव साइन के बाद लिखा हुआ है, लेकिन दैट्स व्हाई अब मैंने एक्स वाई टू को कंप्लीट टेन एक्स वाई टू कर दिया। तो ये जरा देख लीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, देखिए इसी में देखिए ये यहां देखिए आपका नाम, ये मैंने यहां रिटन कॉट इनवर्स लिख दिया, देखिए हियर आई हैव रिटन आल्सो कॉट इनवर्स लिख दिया, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, देखिए माइनस प्लस, देखिए कॉट इनवर्स माइनस प्लस, कॉट इनवर्स माइनस प्लस, माइनस प्लस कॉट इनवर्स, cot inverse माइनस प्लस। देखिए बाकी इनमें क्या है, ये माइनस वाला ये प्लस वाला, माइनस ये प्लस, देखो माइनस ये प्लस, ऊपर माइनस नीचे प्लस, माइनस प्लस, देखो जब करना ही तो उंगली में सिर घुसेड़ दिया तो फिर मुसल की चोटों से क्या डरना आपका, ये आ गया। अब देखिए दिस इज माइनस दिस इज प्लस कॉट इनवर्स, ये देखो माइनस प्लस, तो ये आपका टेन ए माइनस बी का बन गया। आप देखिए लुक यहां पे तक तो देखो मैं इसको बिल्कुल वैसे ही लाया, मैंने सिर्फ देखिए आप डन दिस y is equal to, now you see this is the cot inverse and this is coming up at the now 10 pi by 4 minus aapka x by 2 10 a minus b over 1 plus 10 a 10 b 10 a minus b count. ab aapko yaad hoga ki aapka the cot 90 minus theta is equal to aapka kya hota hai 10 theta 10 theta so y is equal to dekhiye cot inverse a आपका यह कॉट देखो पाई बाय टू माइनस पाई बाय फोर माइनस एक्स बाय टू, चेक कर लीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं आया। इसका आंसर जरा पहले वाले का देखना, पहले वाले का क्या लिखा हुआ है जो आपका अभी अभी आया था जो आपका किया था हमने, वो उसका आंसर 1/2 आया था ना,
तो अभी ये cot 90 माइनस ये आपका देखो, अब आपका क्या होगा y इक्वल देखो cot इनवर्स cot पाई बाई टू माइनस ये सॉरी ये पाई बाई फोर था पाई बाई फोर और माइनस माइनस क्या देखो आपका ए, तो दिस ठीक हो गया। इससे ये खल्लास तो y इक्वल पाई बाई टू में से पाई बाई फोर जाएगा पाई बाई फोर और प्लस x बाई बस अभी हो गया। नाउ बस डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy by dx इक्वल टू d by dx ऑफ अलग अलग पाई बाई फोर और प्लस कायदे से ऐसे और फिर आपका एक लाइन बचाने के लिए x, क्योंकि ये 1 बाई टू एक कोफिशिएंट का काम करेगा। तो ना dy by dx इक्वल टू dy dx ऑफ पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट का जीरो और प्लस 1 बाई टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वन होगी। तो dy by dx इक्वल टू दिस इज इट हैज ऑल्सो द सेम आंसर 1 बाई टू। कितनी जल्दी कर दिया मैंने देखो, डू इट, हैव यू गॉट माय पॉइंट्स। बस ओनली द थिंग वाज हियर अपन आई थिंक, चलो आपने बोला था तो बहुत अच्छा, फिर आपकी सेवा के लिए मैंने ये रखा हुआ ना, इसमें आप अपनी सेवा करवाइएगा। आप आपका कहना ये है कि इसको टेन को आप जो है वन अपॉन कॉट लिख दे, ये कह रहे हैं आप, यही कह रहे हैं ना, लेकिन ये आपका देखो आगे से कॉट इनवर्स है तो नहीं, कहां से कटेगा ये भी जब नीचे आएगा तो वन अपॉन कॉट और इंटू ये भी वन अपॉन कॉट हो जाएगा, कटेगा कहां से। अगर ये कॉट होता ऐसे तब कटता है, आप समझ रहे हैं, वो कॉट इनवर्स है तो कट ही नहीं सकता, यू कांट कैंसिल इट, That's why, तभी तो आपका नाम है, आपका है tan theta, ये पूरा it was theta, it was converted into cot 90 minus theta, तभी तो आपका इसमें convert किया गया, got it? और कोई argument? No.